नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक आई टी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको एक व्हाट्सअप की नई अपडेट के बारे में बताऊंगा कि यह अपडेट कितनी कमाल की है, और मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट को आपको अपने व्हाट्सअप के अंदर कैसे अप्लाई करनी है, क्योंकि वैसे आप अपना व्हाट्सअप चलाते हैं तो उसके अंदर अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है जिसके द्वारा आप इस अपडेट को अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसका कमाल दिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कमाल में मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तक आप अपने जैसे डेस्कटॉप पर अपना जो व्हाट्सअप यूज़ करते थे तो आप उसमें क्या करते थे, क्रोम के अंदर वो व्हाट्सअप वेब खोलते थे और उससे लॉगिन कर लेते थे बारकोड से स्कैन द्वारा। तो फिर क्या होता था, जैसे ही आपका मोबाइल, यदि आपने अपने मोबाइल का नेटवर्क बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी वह बंद हो जाएगा। और इसके साथ इसमें कई समस्याएं थी, जैसे मान लीजिए आपके यदि मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है तो बैटरी डाउन का मैसेज भी आपकी जो क्रोम में जो व्हाट्सअप वेब खुला है उस पर भी उसका वो दिखाई देने लगता मीनू कि आपकी बैटरी डाउन होने वाली है। यानी इसका कनेक्शन सीधे आपके मोबाइल से था, जब तक आपका मोबाइल चालू है जब तक ही वह क्रोम में ओपन रहेगा। जैसे ही आपका मोबाइल यदि बंद हो गया या कुछ भी हो गया तो यह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसकी यह सबसे बड़ी खामी थी, लेकिन व्हाट्सअप ने अपनी इस खामी को दूर कर दिया है और इसे इतना एडवांस बना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको सबसे पहले क्या करना है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सअप खोलिए। देखिए व्हाट्सअप खोलने के बाद हमको ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैं आपको बात यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप बिजनेस यूज कर रहा हूँ, आप अपना सिंपल वाला व्हाट्सअप भी चला सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो लिंक डिवाइस लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके बता देता हूँ, फिर आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर हमें एक अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे मल्टी डिवाइस बीटा अप टू 4 डिवाइस, आप अपने व्हाट्सएप को 4 डिवाइस पर चला सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अभी तक आपने जब अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप को चलाते थे व्हाट्सएप वेब द्वारा, तो जैसे कुछ समय बाद यदि यूज नहीं करते तो अपने आप लॉग आउट होता है, यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन अब व्हाट्सएप इतना हाईफाई हो गया, यानी आपका जो कंप्यूटर वो भी आपकी एक डिवाइस की तरह यूज करेगा। यानी यदि आपने अपना व्हाट्सएप उस पर यूज कर लिया है, ओपन कर लिया है, तो वह अपने आप लॉग आउट नहीं होगा। यदि आप सोचें कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दें, कंप्यूटर को बंद कर दें और फिर से अपना कंप्यूटर चालू कर दें, तो आप सोचेंगे कि व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर से चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर में फिर भी चलेगा, आप चाहे अपना कंप्यूटर कितने ही बार बंद कर लो। अब इसका सीधे साधा मतलब हो गया, अब व्हाट्सएप को आपके मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आपका जो कंप्यूटर है वह एक डिवाइस के समान ही है, यानी वह भी एक मोबाइल के समान है जिस पर आपका व्हाट्सएप चल रहा है। आप केवल व्हाट्सएप से जब ही बाहर आ सकते हैं जब आप अपने मोबाइल द्वारा उसे लॉग आउट कर दे, बस यही से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो आपका जो कंप्यूटर है वह भी एक डिवाइस बन गया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसे एक्टिवेट कैसे करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जॉइन बीटा, अब जैसे ही जॉइन बीटा पर कर देते हैं, अब आप देखिए क्या जादू होने वाला है। अब हम जॉइन बीटा में शामिल हो गए, आप इसे लीव भी कर सकते हैं यदि आप यह नहीं चाहते। अब आपका मोबाइल अब किसी भी कंप्यूटर को डिवाइस में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम अपने व्हाट्सएप वेब को क्रोम में खोलेंगे, तो इसके लिए मैं स्कैन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं बार कोड स्कैन कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप है वह खुल जाएगा। देखिए अब मेरा डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप खुल जाएगा, फिर आप देखिए मैं अपना ब्राउज़र बंद करने की कोशिश करूँगा। देखिए आपको एक पहचान बताता हूँ, यहाँ पर आपको जब कनेक्ट होते हैं तो आपको नीचे की साइड एक लॉग आउट का ऑप्शन दिखता है, इसका मतलब यह है कि आपका कंप्यूटर एक डिवाइस बन चुका है। यदि इसका ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपका कंप्यूटर डिवाइस नहीं बना है, क्योंकि जैसे ही आपने मोबाइल बंद किया, नेट बंद किया, तो यहाँ से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमने लिंक हो गया, हमारा क्रोम ब्राउज़र दिख रहा है, देखिए हम वो अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डेस्कटॉप है उसके अंदर वो व्हाट्सअप वेब आ गया, देखिए क्रोम के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्रोम ब्राउज़र, देखिए यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर व्हाट्सअप वेब चलने लगा है। अब मैं चाहे अपनी जो क्रोम ब्राउज़र की जो विंडो है उसको बंद कर दूँ, चाहे कुछ भी करता रहूँ, इसके अंदर मैं व्हाट्सअप वेब चलता रहेगा जब तक कि मैं अपने मोबाइल द्वारा इसे लॉग आउट ना करूँ। देखिए मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, देखिए अब मैं क्रोम की विंडो बंद करता हूँ, फिर मैं इसे फिर से स्टार्ट करूँगा, फिर आप देखना व्हाट्सएप फिर से चालू हो जाएगा। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यदि मैं इस कंप्यूटर को 2 दिन के लिए बंद कर दूँ और तीसरे दिन यदि व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में खोलना चाहूँ, जैसे ही मैं क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा उसमें व्हाट्सएप वेब डालूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउज़र में जो व्हाट्सएप वेब खुल जाएगा। इसके लिए मुझे कोई QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है,
यह व्हाट्सएप की आज तक की सबसे बड़ी अपडेट है। जो लोग अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं और उसमें लॉगिन करके रखना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, उन्हें मोबाइल के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अपने जो मैसेज चैट वे कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी से चैटिंग कर सकते हैं। तो आपको यह अपडेट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अब हम इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं।